गदर पिक्चर गदर गदर पिक्चर का लाहौर देखे अच्छा लाहौर इसको दोस्तों हम लोग अब जा रहे हैं फिर से लखनऊ भ्रमण पर कुछ यहाँ की हिस्टोरिकल जगह देखेंगे जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं प्लेसेस हैं उसकी विज़िट करेंगे और वहाँ जा कर के जानकारी लेते हैं उनका इतिहास कब और कैसे हुआ था ये और वो सब आपको मैं दिखाता हूँ चल कर के चलिए वेट करें तो हम लोग आ गए हैं लखनऊ के इस हेरिटेज एरिया में सामने है ये रूमी दरवाज़ा और जो ये है साइड में है मेरे दाहिने तरफ ये है बड़ा इमाम बाड़ा और वो है किले वाली मस्जिद। दोस्तों ये है लखनऊ का रूमी दरवाज़ा। इस 60 फुट ऊंचे दरवाजे को सन 1784 यानी कि 1784 में नवाब असफुद्दौला के द्वारा बनवाया गया था और यह द्वार अवधी शैली का एक नायाब नमूना है। इस गेट के ऊपर नवाबों के युग में एक लैंप रखी गई थी जो उस युग में रात के अंधेरे में रोशनी प्रदान करती थी। अकाल के दौरान बनवाया था ताकि लोगों को समय रोजगार मिल सके। अवध वास्तुकला के प्रतीक इस दरवाजे को टर्किश गेटवे भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम आगे बड़ा इमाम बाड़ा की तरफ। लखनऊ का इमाम बाड़ा भूल भलैया और आसफी इमाम बाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण अवध के नवाब असफुद्दौला ने साल 1784 यानी कि 1784 में कराया था। इसकी खासियत यह है कि यहाँ का जो सेंट्रल हॉल है ये विश्व का सबसे बड़ा वॉल्टेड चैम्बर है। ईरानी निर्माण शैली की यह विशाल गुंबदनुमा इमारत देखने और महसूस करने लायक है। इसे मरहूम हुसैन अली की शहादत की याद में बनाया गया है। इमारत की छत तक जाने के लिए 84 सीढ़ियां हैं जो ऐसे रास्ते से जाती हैं जो किसी अनजान व्यक्ति को भ्रम में भी डाल सकती हैं। हम लोग इमाम बाड़ा अंदर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आज VIPs की आज विज़िट है तो थोड़ा सा मायूसी तो हुई लेकिन कोई बात नहीं, हमने बाहर का देख लिया घूमे और चूंकि बाहर के लोग आए हुए हैं तो पुलिस भी काफ़ी लगी हुई है तो हमें लग ही रहा था कि आज कोई VIP मूवमेंट है यहाँ पे, तो कोई नहीं, हमने बाहर से देख लिया। बाहर से हमने थोड़ा बहुत जो कवर करना था वो हमने कवरेज कर ली। हम लोग रूमी गेट घंटाघर सतखंडा शाही घाट चरा दिल्ली। तो दोस्तों अभी हम यहाँ के जो लखनऊ की शान है जो इस पे कभी नवाब लोग भी घूमते थे, नवाब घूमते थे ना भाई, बिल्कुल, तो आज हम भी इसकी सैर करते हैं और एक के मार देना और बैठते हैं इसके ऊपर, एक यहाँ का घूम के आते हैं, चक्कर लगाते हैं। दुनिया का नवाबों का शहर, दुनिया का नवाब बाजार है जो काम होता है, ठीक है। और तो आइए दोस्तों फिर नवाबों के शहर की सैर करी जाए। अच्छा इधर से देख रहे हैं, 1, 2, 3 गेट है। 103 गेट है इसका। 1, 2, 3 गेट। अच्छा 3 गेट है इसका रूमी गेट। 1, 2, 3 चार मंजिल है। 4 मंजिल का रूमी गेट है। अच्छा गदर पिक्चर गदर गदर पिक्चर का लाहौर देखे हाँ उसके गेट को लाहौर देखा है। अच्छा लाहौर इसको
गदर पिक्चर में जो लाहौर दिखाया गया था वो इसी रूमी दरवाजे को दिखाया गया था। सावन को आने दो, पालकी मेरे हुजूर, फूल धूमाली, बुलट राजा में मर्डर होता है, वो भी इसी गेट पे होता है, सारा यहीं पे शूटिंग हुआ था। अमिताभ बच्चन की सिताबों गुलाबों देखी, उसका भी यहीं पे सब फिल्मों की शूटिंग है। हाँ, इसी जगह चारपाई रखी गई है, और जहाँ पे भुट्टा खरीदता जूता बनवाता सामने गेट है। अरे वाह, ऐतिहासिक जगह है बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया। भैया आज यहाँ पे आज एंट्री नहीं है क्या अंदर? नहीं आज नहीं एंट्री। क्या वीआईपी की वजह से? लोग आ रहे हैं। अच्छा, आपको चिकन वाला बताया गया है? हाँ। चिकन वाला घूमने वाला नहीं है यहाँ, वहाँ पे चिकन के कुर्ता साड़ी सूट बनता बिकता है। अच्छा, हम आपको ऐतिहासिक चीज बता दे रहे हैं, वो आप नोट कर लीजिएगा। बस क्लॉक टावर देख रहे हैं आप? ये क्लॉक टावर ब्रिटिश का बनाया हुआ अंग्रेजों का, और इसके ऊपर जो चिड़िया लगी, ऊपर सबसे ऊपर जो चिड़िया लगी है, ये हवा का रुख बताती है। क्लॉक टावर जो कि ब्रिटिश टाइम से बना हुआ है, और इसके ऊपर एक्चुअली डायरेक्शन देखते हैं कि हवा का किस तरफ से चल रहा है डायरेक्शन, तो उसके ऊपर एक छोटी सी चिड़िया भी बनी हुई है क्लॉक टावर के ऊपर। सबसे बड़ा घंटाघर है अपने भारत में, सबसे बड़ा है। और जैसा कि मुझे अभी जानकारी मिली, ये भारत में सबसे बड़ा क्लॉक टावर है घंटाघर, जो कि ब्रिटिश टाइम से है यहाँ पे, तभी बना था ये। सिराज उद्दौला नवाब साहब को क्या था, वो बना रहे थे अपनी बेटी के लिए पाँच मंजिल का एक गद्दार अपनी बेटी के लिए। नवाब सिराज उद्दौला ने अपनी बेटी के लिए ये बनवाया था, जिससे कि वो चांद का देख सके, चांद को ऊपर जा करके, ईद का चांद वो देख सके। तो ये नवाब साहब के चांद को आपको जमीन पर भी दिखता है। हाँ, फर्क कितना था उसको पाँच मिनट पहले चांद देखते हैं। यह है शाही तालाब, नवाब साहब ने बनवाया था, और कहते हैं कि इसमें गोमती नदी का पानी आता था उस वक्त, और अभी तो खैर ये बरसात का पानी है, इन्होंने अभी तो इसको सौंदर्यीकरण किया है इसका, उसे फाउंटेन लगा दिया है इसमें। बहुत ही ज़बरदस्त है लग रहा है देखने के लिए। ये तो बहुत सुंदर बना हुआ है काफी। ये पानी पूरा भर जाता था इसमें? रुक, पानी आता था। अच्छा, उनकी फैमिली परिवार सबको नहाना धोना, पैरना, खेलना, जैसे स्विमिंग पूल लोग बना रखे हैं उस समय उनका स्विमिंग पूल था। खाने के लिए गुलाब रेवड़ी, अमीनाबाद के टुंडे कबाब, और पहनने के लिए चिकन के कपड़े। अच्छा, टुंडे के कबाब भी बहुत फेमस है यहाँ के। इस समय सड़क के ऊपर हम ही हैं जो आगरे के अंदर घूम रहे हैं, लखनवी अंदाज के अंदर घूम रहे हैं हम भी। और वापस हम लोग आ गए हैं अपने स्टैंड के ऊपर, जहाँ से हमने अपना ये लिया था टांगा घूमने के लिए, और थोड़ी और अंदर की सैर करते हैं, घूम कर देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। तो दोस्तों, ये था ऐतिहासिक लखनऊ का पार्ट वन। आज हम बड़ा इमामबाड़ा गए थे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे G20 विजिटर्स की वहाँ पर विज़िट थी, तो हम लोग नहीं जा पाए वहाँ पर। और कल मैं आपको दिखाता हूँ छोटा इमामबाड़ा, जहाँ पर हम अंदर गए, हमने पूरा देखा, वहाँ शूट किया। सो स्टे ट्यून्ड, फिर मिलते हैं कल।